तेल तेल। हरे कृष्ण दोस्तों। सो हो गया है सब कुछ, नहा धो लिया है, बाल में तेल लगा लिया है। कल मैंने इतने सारे वीडियोस डिलीट किए, फिर भी अभी पता क्या बता रहा है मेरे कैमरा में, कैमरा के ऊपर इतना सा कि आप 39 मिनट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब सोचो, पिछली बार बता रहा था 25 मिनट, उसके पिछले बार बता रहा था 15 मिनट नहीं 14 मिनट्स 14 मिनट रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ रहा है बार 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 ताकि रिकॉर्ड कर सकूँ, वो हो नहीं रहा है। अब क्या डिलीट करूँ सोच रहा हूँ। अभी बहुत सारे वीडियोज है जो मेरे को अपलोड करने हैं, मतलब शॉर्ट्स के इसमें थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, और वो सब डिलीट कर नहीं सकता, तो क्या किया जाए। तो सोच रहा हूँ कि अभी पहले तो आज मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। देखिए कैसे ना, अगर एक बार वीडियो अपलोड करूँगा तो शॉर्ट्स अपलोड नहीं कर पाऊँगा, और शॉर्ट्स अपलोड किया तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो ये भी एक नाटक है, ये डाल के रखा फिर भी खाती नहीं है, पता क्या खाती है वो। तो वो खाती है रोटी वगैरह, रोटी हो गया, चना हो गया, और पोहा हो गया, ये सारी चीज़ें उसको पसंद है। जो हम खाते हैं वो उसको उसको खाना है ऐसा। क्या बोलते हैं इसको, आजकल इतने एड्स और वगैरह ये सब चीज़ों में ना इतना आप लोग को बेवकूफ़ बना दिया है, बोल सकते हैं बहका दिया है, कि आप लोग सोचते हो कि यही सारी चीज़ें ही खा सकते हैं, या फिर यही सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, या हम भी यही कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा देसी बनो। बाकी तो हाँ, कुत्तों के हेल्थ के लिए वो सारी चीज़ें तो करनी पड़ती है, तीन चार चीज़ें वो तो करो ही। लेकिन हमारी सुंदरी मस्त है, क्या मस्ती की। कल तो कार के तुम खेती थी, छोटा कार है वो, हॉट व्हील्स जैसे कार नहीं होता, पहले पहले मिलता था। अभी जो 90s के बच्चे उनको पता रहेगा, वो छोटी छोटी कार करते थे, गाड़ियाँ। तो वो मेरे घर पर भी है, एक एक पड़ी हुई है, मुझे बहुत पसंद है भाई और मुझे अभिषेक है मुझे। तो कल मैं ऐसे खेल रहा था तो वो आ गई, तो वो इतना उसको ये आ रहा था ना, मतलब चबाने के लिए देख रही थी कि पूछो, मतलब भाग रही उसके पीछे, जहाँ पे कार फेंक रहा वहाँ वहाँ आ रही। मज़ा आया था कल, मिथुन बार में खेल रहे थे फिर, और वो बीच में थी बीच का बंदर बन के। तो यहाँ पानी जा रहा है, यहाँ पानी भरा हुआ है, लेकिन इनमें पौधों में किधर भी पानी नहीं डाला, तो अभी अपन क्या करते हैं, डालते हैं पानी। तो तुलसी के पत्ते थे पूरे सूख गए, इन लोग को क्या अक्ल नहीं है क्या। वापस जाना पड़ेगा, एक 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 बूंद बूंद से ये सब करना पड़ेगा। आ गया वो जिस जो पानी रखा हुआ था, एक भाई जो पानी नहीं डालता। चलो कोई बात नहीं, अपन तो डाल सकते ना, अपन देख रहे और हम देख रहे और फिर भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या मतलब है, वो एक अलग ही बात हो जाती है। आप इग्नोर कर रहे हो, उधर पानी छोड़ने के लिए गए हो। चलो इतना डाल दिया, बाकी वो आएंगे बाहर तो बताता हूँ। पूरा सूख गया यार, देखो ना, ऐसे तो पूरे पौधे मर जाएंगे। क्या बोले, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कितना क्लियर दिख रहा है आसमान, मतलब बादल भी नहीं है वो, बस वो लेयर एक सफ़ेद सी, बस तो लाइट कलर हो गया है, लाइट ब्लू हो गया कलर। उनके पेड़ पौधे देखो कितने मस्त हैं, तो हरे हरे, और ये देखो कितने सूखे सूखे लग रहे। अभी मैंने बोला पानी के लिए तो ऐसा किया, हाँ ठीक है, अभी वो बाल्टी खाली कर रहा हूँ मैं, और जाए डाल रहा हूँ पानी, बस हो गया। चलो बाहर, इतना तो अपन कर ही सकते हैं। कहाँ गया ये देखो, बाप रे ये कितना, ये हो गया, पता है काय का पौधा है, ये था नींबू का, और इतना हरा भरा था ना ये कुछ दिनों पहले कि पूछो मत, और अभी इतना सूख गया कि बस ऐसा लग रहा है कड़ी पत्ता है।
वो भुजा हुआ कड़ी पत्ता है, तला हुआ कड़ी पत्ता रहता है चूड़ों में, वो लग रहा है। कम से कम एक 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 ये तो डाल दूँ पानी। तो पेड़ पौधे सोचेंगे यार तू भी देखा और तूने कुछ नहीं किया, ये शुक्र है। ये गलत बात है यार, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तो पूरी तरह निभाओ उसको, वरना लो मत, बकवासगिरी मत करो। चलो भाई ये पानी रखा था गाड़ी वाड़ी धोने के लिए उन लोगों ने, उन्होंने गाड़ी धो रहे हो तुम और लेकिन ये पेड़ पौधों को पानी नहीं डाल रहे, ये तो मेरे को जमा नहीं भाई। कम से कम एक एक तो डाल दो, कौन सा हो तुमको कुछ मांग रहे, तुम्हारा ही फायदा कर रहे। कैसा अजीब बात है ना, आपको वो ऑक्सीजन दे रहे वो सब कर रहे और उसमें आप उन लोग को पानी भी नहीं दे रहे, ये तो गलत बात है। कम से कम पानी तो दो। हाँ ये भी ख़त्म होने के लिए आ गया पानी अभी। आएंगे और सोचेंगे यार मेरा पानी कहाँ पे गया। चलो हो गया भाई, इसको वापस रख देते जहाँ से लिया था। चलो हाथ भी धो लिया। तो ये तो हो गया ये काम। अब मैं आप लोग को ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप लोग कभी भी कहीं भी ऐसा कुछ देखे तो चुपचाप मत बैठा करो, अगर तुम लोग कुछ कर सकते हो तो कर लो। फालतू में बातें करके मतलब नहीं है, क्योंकि अभिषेक बोलते हैं हमेशा कि बोलो मत, खुद कर लो अगर कर सकते हो तो। नहीं तो भाई तुम लोग भी तो वैसे ही हो गए उन लोग ऐसा बोलने वाले, तो बोल के मतलब नहीं है, याद रखो बात। ये देखो कितना सुंदर है ना, ये है सरसों राई जिसको बोलते हैं, ये राई का पौधा है, पता नहीं कैसे लगा यहाँ पे लेकिन मस्त है। यहीं पे बास भी आ रहा है क्योंकि यहाँ बाथरूम सब। देखो कैसा पूरा लगा दिया है देवी माँ के लिए, बस लग रहा है। तो कल से स्टार्ट होने वाली नवरात्रि, और आज मैंने सुना है ऐसा, मुझे पता ही था, लेकिन अरे वो कौआ उसके मुंह में ना वो जाली है और वो थोड़े तिनके है खाए के लिए, वो घोंसला बनाने के लिए, तो वो लोग बनाएंगे। इधर भी ये लोग भी ढूंढ रहे, और मेरे खिड़की के सामने फिर से कोई तो दो कबूतर घोंसला बना रहे। अच्छा ये टाइम आ गया शायद उन लोगों का घोंसला बनाने का। तो मैं क्या बोल रहा था, कल से नवरात्र स्टार्ट हो जाएगी, आज शनिवार है, कल रविवार है, जिसको रविवार और शनिवार नहीं पता, अरे हाँ नहीं पता रहता कुछ कुछ लोगों को, रविवार शनिवार सोमवार मंगलवार ये सब कुछ पता नहीं रहता। तो उन लोग के लिए बता दूँ, संडे कल है, आज सैटरडे, सैटरडे मतलब शनिवार, संडे मतलब रविवार। तो अब सुनो आगे, तो बोलते नवरात्रि स्टार्ट होने से एक पहले सब तलने वाली चीज़ें और सब कुछ बोलते ना खाने पीने की चीज़ें बनाते, अच्छा और फिर पूरे 9 दिन वैसा कुछ बनाते नहीं, और फिर जब ख़त्म होने के लिए आता है, ख़त्म होता तब तलने वाली तली हुई चीज़ें वो सब कुछ बनाते, और फिर वो भोग लगता है देवी माँ को। तो ये कुछ ऐसा है रिवाज, तो अच्छा है आज हमारे घर पर भी कुछ बनेगा। तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो पहले पहले ऐसा लगता है कि खाए करके हाँ मस्त है मज़ा आएगा खाने में, लेकिन जब बन जाता है फिर वहाँ मन नहीं होता, और ख़ासकर तो उसको मन नहीं होता है जो जिसने बनाया है, क्योंकि उसका तो पूरा सेंसेस जो रहते मतलब सूंघने का देखने का, और अभी सूंघ लिया तो टेस्ट तो हुआ, टेस्ट तो आएगा ही। तो वो सारी चीज़ें करके उन लोग मन भी भर जाता, पेट भी भर जाता, तो ये भी एक अलग है। इसके लिए कभी भी ऐसी चीज़ें दिखो ना तो थोड़ा थोड़ा खावा, थोड़ा थोड़ा मतलब इतना इतना भी मत खाना चूहे, जैसे एक बार में थोड़ा सा लिया एक पूरा भर मत डालो, अरे जैसे कि भंडारा है और पूरे ज़िंदगी भर से खाना ही नहीं खाया सालों से, तो वैसा मत करो। तो अब मैं आ गया चलते चलते गणपति मंदिर के यहाँ पर, मैं बोला
आज थोड़ा सा आगे जाते हैं, बाहर निकलते, कि बहुत दिन से मैं बाहर नहीं निकला सुबह के टाइम पे। मतलब वो सुंदरी आई तो निकला था दो बार, लेकिन उसके बाद में नहीं निकला क्योंकि ऐसे चेहरा वो ये हो गया ना, हो जाएगा ठीक। सूर्य भी निकल चुका है, निकल चुके हैं, थोड़ा इज्जत देना चाहिए वैसे तो, ये सूर्यदेव है वो। एक बात बताओ यार मेरे को कि ये जो भी रहते हैं ये लोग, जो पोस्टर वोस्टर पे अपना ये लगाते हैं, चेहरा वगैरह चिपकाते हैं, फ़ोटोज़ लगाते हैं, बैनर वैनर छपवाते हैं, उसमें फ़ोटोज़ रहते हैं, 10 करोड़ तो फ़ोटो ही रहते हैं बैनर में, और जो कार्य है असली वाला उसको तो दिखता ही नहीं कहीं पे। तो सबको अपने नाम और वो जो फ़ोटोज़ लगाने के इतना शौक है, वैसे कुछ कार्य भी करो, वैसे कुछ काम भी करो। यहीं पे खड्डे हैं और तुम बोल रहे हो हम ये उत्सव मना रहे हैं, ये उत्सव के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे तुम रोड बना दो, लोग अपने आप खुश हो जाएंगे, ये कार्य कर दो वो कार्य कर दो, लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या बोलते हैं, करना नहीं चाहता कोई, कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन वो होगा नहीं। वाह ये क्या बच गया, अरे फ़ोन गिर गया था अभी, मैं दिखाने जा रहा था, कुछ तो था नीचे, चलो भगाओ वो नहीं दिखाने का मेरे को। मेरे उंगली में लगा तो सोचो इतना जोर का गिरा हो, और जो प्रेशर से मैंने उठाया उसको ऊपर, वो लगा गया अभी फ़ोन, क्योंकि सुंदरी की वजह से कल तो गिरा ही था फ़ोन। मैं ऐसा देख रहा था लेट के, और वो आई सुंदरी, और उसने सब उसका बाल मेरे हाथ पर लगा, ऐसा शायद सूंघ रही थी या चाट रही थी, और फ़ोन हाथ से गिर गया घूम के डायरेक्टली ऐसा स्क्रीन के ऊपर टिचुक। मैं बोला यार गया, अभी सुंदरी भी गई है और ये भी गया। इसको ध्यान रखो भाई, अपने फ़ोन का, अपने चीज़ों का, अपने चीज़ों का ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। वहाँ घोंसला बनाया है नीचे, पिंजरा वगैरह बनाया हुआ, देखो ये पिंजरा, यहाँ पे सारे पशु पक्षी सब आते हैं, वहीं पे रहते हैं सारे, मतलब कबूतरी पालते हैं। लोगों का भी अलग है, जो पालते हैं उसको ही इज्जत कर देते हैं, और बाकी जो पशु पक्षी रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये कैसा प्रेम है भैया, सब चिड़िया घुसी हुई वहाँ पे, सब चिड़िया इसमें, सब चिड़िया छोटी छोटी वही रहते हैं, शाम के टाइम तो पूरा भर जाता है। चलिए फिर दोस्तों, इसी तरह से लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, और अगले वीडियो में मिलेंगे, और बहुत सारे जानकारी के साथ में, बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग बातों के साथ। अब जिसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता और बातें अच्छी नहीं लगती उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों को ये यहाँ पे आना पड़ेगा, वहाँ पे कोई तो इसके लिए गया, आवाज़ आ रहा है तो वापस से बोलना पड़ेगा लगता है मेरे को। तो इसी तरह से अब मैं लेता हूँ अलविदा आपसे, नहीं अलविदा नहीं, तो इसी तरह से अब मैं ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आपका टेस्ट अलग है, तो बी ओरिजिनल, हरे कृष्णा बोलिए दोस्तों, और सबके साथ में प्यार बांटिए, क्योंकि प्यार मुफ्त है।